आपके पोटेंशियल से गाइड नौकरी में 12 तारीख को जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया था और वे अभ्यर्थी जिनके आवेदन में कुछ त्रुटियां थीं, यानी कि उन्होंने मान लीजिए 10 अंक उनके मार्कशीट में था और उन्होंने 12 अंक 13 अंक अंकित कर दिया था, अर्थात अपने मूल अंक से बढ़ा करके उन्होंने अंकित कर दिया था अथवा साइबर कैफे की वजह से हो गया था, ऐसे लोगों को विचाराधीन में रखा गया था, इनकी नियुक्ति प्रक्रिया नियुक्ति पत्र बांटते समय रोक दी गई और ऐसे लोगों को अब 18 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। अब यह नियुक्ति पत्र 18 तारीख को मिल जाएगा कि नहीं, जब तक मिल नहीं जाता था तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल इस मामले पर फैसला ले लिया गया है। जबकि अन्य अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं किसी तरह का संशोधन का मौका किसी को न दिया जाए, वहीं 18 तारीख को 30 अभ्यर्थी ऐसे थे, ये प्रतापगढ़ का मामला है तो प्रयागराज से रिलेटेड है, तो वहाँ पर इन अभ्यर्थियों को ऐसे नियुक्ति पत्र मिलेगा। ऐसे सभी जिलों में जितने लोग लटके हुए हैं, अधिक अंक भर दिए थे, उन लोगों को सुधार का मौका दिया जा रहा है और नियुक्ति पत्र भी जारी किया जाएगा। कि थर्ड काउंसलिंग की मांग करने वाले सभी अभ्यर्थी जितने थर्ड काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं, फोर्थ काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों ने शिक्षकों के रिक्त पदों की रिपोर्ट शासन भेजने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि जितनी भी सीटें खाली हैं, हम प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थी हैं, तो BSA को ज्ञापन सौंपा। इन अभ्यर्थियों ने कहा है कि जितनी भी सीटें खाली हैं अविलंब शासन को भेजा जाए। उन्होंने BSA से मिलकर कहा है कि जो शिक्षक स्कूल ज्वाइन न करें, अर्थात ज्वाइन करने के बाद भी नौकरी छोड़ दें, जितनी भी सीटें खाली रहें सबको जोड़ करके ही भेजी जाएँ, कुछ छोड़ी ना जाए। ऐसे थर्ड काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर, तो आप मान के चलिए 6000 से ज़्यादा ही सीटें आपको मौका मिलेगा। अभी तक अभ्यर्थी ऑनलाइन ही मांग कर रहे थे, अब जाकर के अभ्यर्थियों ने साथ ही मांग कर लिया है BSA से सभी डिस्ट्रिक्ट के, और वहाँ पर ज्ञापन भी सौंप दिया है, बात शासन स्तर तक पहुँचा दी गई है। जैसे ही इस पर कुछ डिटेल आएगा आपको डिटेल दे दिया जाएगा। फिलहाल आप मान के चलें कि जो अभी विद्यालय आवंटन नहीं हुए हैं 36590 के, उन्हीं की प्रतीक्षा हो रही है, जैसे ही इनका विद्यालय आवंटन होता है तुरंत ही सीटें जारी कर दी जाएंगी कितनी सीटें खाली हैं। दिव्यांगों के लिए गुड न्यूज़ है कि इन लोगों के लिए एक लेटर लिखा गया है, सचिव ने लेटर लिखा है सभी महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को, कहा है कि 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग आरक्षण के संबंध में उपलब्ध कराए गए प्रत्यावेदन जो विषयक हैं उसके संबंध में डिटेल लिखा गया है। इसमें देखिए अभ्यर्थियों ने क्या मांग की है, ये जिम्मेदारों द्वारा बताया गया है। पहली मांग इनकी ये है कि RPWD एक्ट 2016 का पालन करते हुए 4% आरक्षण जैसे सबको दिया जाता है वैसे हमको भी दिया जाए, और दूसरा मांग इन्होंने किया है कि श्रवण हास यानी कि जो सुन नहीं सकते हैं, दृष्टिबाधित जो देख नहीं सकते हैं, ऐसे दिव्यांगजनों की जो बची हुई सीटें हैं उनको चलन क्रिया बाधित अभ्यर्थियों से भरा जाए, यानी कि जो लोग चल फिर नहीं सकते। तीसरा पॉइंट ये है, मतलब दिव्यांगजन की ही सीट है, दिव्यांगजन में कई कैटेगरी होती है, कुछ लोग कान से, कुछ लोग आँख से और कुछ लोग हाथ पैर से दिव्यांग होते हैं, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को जितनी भी सीटें बची हुई हैं तो जितने बचे हुए दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जिस भी कैटेगरी में बचे हुए हों, चाहे वो हाथ पैर वाले में ही हों, तो इनको सीट दे दिया जाए। तीसरी इनकी मांग है कि 1350 सीटें जो है 68500 में बच गई थी तो उसको 69000 में जोड़ दिया जाए क्योंकि वो बैकलॉग की सीटें हैं। चौथा नियम इन्होंने मांग ये किया है कि 69000 शिक्षक भर्ती के दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार ओवरलैप भी कराया जाए जरूरत पड़ने पर, तो और ऐसे में प्रत्यावेदन लेकर के और इनको सब कुछ डिटेल वगैरह इनके लिए ली जाए और इनकी भी काउंसलिंग करा दी जाए। फिलहाल मांग किया गया है जल्दी इन पर भी निर्णय ले लिया जाए। तो धरना प्रदर्शन में आज क्या हुआ है SCERT पर, चलिए वो देखते हैं। क्या गारंटी है नहीं जो आज आपको मिला भी है, क्या नाम है, 3.86%, मतलब जहाँ हमारी संख्या होनी चाहिए 18630 वहाँ पर 3664 मिल रही है, क्या गारंटी है कि वो मिलेगी ही कि नहीं मिलेगी। इसलिए अपने अधिकारों को यही से लेने की पूरी कोशिश करिए, यही हमारा अधिकार, अगर आप लेने की अपनी कोशिश कर लेंगे तो कल के डेट में किसी भी सरकार को या किसी भी अधिकारी को हिम्मत नहीं होगी कि आपके अधिकारों का हनन कर सके, कोई आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो, योगी की सरकार में, 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 SCERT होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, SCERT होश में आओ। आरक्षण मिलकर बोलो, आरक्षण मिलकर बोलो, आरक्षण।
लेके रहेंगे आरक्षण, हम छीन के लेंगे आरक्षण, हम पुलिस बुलाओ।